हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब वेल होंगे। गाइस, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने देखा है, कुछ बच्चों ने पूछा था कि भाई कोटा की कोचिंगें कब ओपन होगी, कोटा कब ओपन होगा। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों बता दूँ कि मैं हूँ लखन और आप देख रहे हैं फॉर यू क्लासेस। हमारे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपडेट दी जाती है। ऐसी और अपडेट के लिए वीडियो के नीचे ही लाल कलर का बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर ले। दोस्तों बात करते हैं कोटा ओपन कब होगा। जैसे कि आपको पता है कि भाई गाइडलाइन आई और इसके अंदर बताया गया कि भाई जो 10th और 12th की क्लास है, ठीक है, या 9th से 12th तक बोल सकते हैं, वो क्लासें 1 नवम्बर से शुरू होगी। तो तभी से सबके मन में आ रहा है क्या 1 नवंबर से कोटा की कोचिंगें ओपन होगी। दोस्तों अभी तक सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से तो कोई गाइडलाइन दी नहीं है, ठीक है। अब बात करें कि भाई कोटा के जो इंस्टीट्यूट है उनके हिसाब से क्या मेट्रिक है, उनके हिसाब से भाई कि इसके बाद में लगभग दिवाली के बाद में खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये कोटा के जो मोशन क्लासेज है वहाँ के एक जो मैंसर है उन्होंने ये अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था कि भाई जो दिवाली के बाद में ओपन होगी। और अगर देखो आप और हम भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई अगर कोचिंग है भाई नवंबर के 1 नवंबर के बाद में स्टार्ट हो भी जाएगी तो आगे दिवाली है, बच्चे दिवाली के टाइम में जो कोचिंग होती है उनके अंदर भी पहले भी छुट्टियां रहती थी कुछ दिनों की, जो दिवाली के टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में रह के आ सके। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे 10-15 दिन इतना टाइम रुक गए तो 10-15 दिन रुक के अपने परिवार वालों के साथ में ये त्यौहार मना के फिर ही जाएंगे। तो उसके हिसाब से भी ये है कि दिवाली के बाद में 99% चांसेज यही है कि वहाँ पर कोचिंगें ओपन होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, राइट, स्कूल वालों को नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा नुकसान इंस्टीट्यूट को हो रहा है और ये सबको दिख रहा है। और राजस्थान गवर्नमेंट भी इस पर कुछ जल्द से जल्द निर्णय लेके आएगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि दिवाली के बाद में जो स्कूल है सॉरी इंस्टीट्यूट है वो ओपन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। वहाँ पर उसके बाद में कुछ सख्त नियम भी होंगे, स्ट्रक्चर भी होंगे उसके अंदर, क्योंकि स्पष्ट रूप से वहाँ पर स्टूडेंट इतने सारे आएंगे और बाहर से भी आएंगे और तो वहाँ पर कोरोना का वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो वापस यही गाइडलाइन की भाई एक टेबल के पास में दूसरी टेबल पे कोई नहीं बैठेगा, वो सारे स्पष्ट रूप से गाइडलाइन भी होगी, उनके बीच में कुछ गैप रखा जाएगा, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की जो फिक्स रखे जाएंगे इतने स्टूडेंट बैठने सही है इससे ज़्यादा नहीं, तो वो सारे पालना होगी, सैनिटाइज वगैरह सारे व्यवस्था होगी। लेकिन यही है कि दिवाली के बाद में खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। और भी कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाके मुझे फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं, जो इस टाइम मैं आपको रिप्लाई कर दूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। इससे छोटी छोटी रिप्लाई जो वीडियो बना के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता, तो इसके लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं छोटी मोटी जानकारी शेयर करता रहता हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास की बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं छोटी सी आपको तरीके की।